हेलो, मैं श्रीलता, चीफ डाइटिशियन। आज हम न्यूट्रिशन और फिटनेस ऐसे चीज़ के बारे में बात करने के लिए यहाँ हैं। या डायबिटीज़ हम लोगों का देश कैपिटल हो गया है। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी अलार्मिंग चीज़ है। ये इंसिडेंस जो है बहुत कॉमन हो गया। 10 लोगों को लेते हो तो आप 3-4 लोगों को डायबिटीज़ का इंसिडेंस है। इसका कोई एज लिमिट नहीं है। पहले 50-60 ईयर्स के बाद डायबिटीज़ का इंसिडेंस था, अभी तो हर एक लोगों को होता है। वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं बच्चों में जो होता है। अभी तो 22-23 ईयर्स में भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो जा रहा है, जो अडल्ट डायबिटीज़ है, माने वो ऑटो इम्यून नहीं है। तो ऐसे चीज़ क्यों आ रहा है? ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल से आ रहा है, ये बैड फूड से वजह से हो रहा है। तो हम लोगों को जब डायबिटीज़ होता है तो डाइट इज़ द ओनली गोल यू हैव टू अचीव। तो सही तरीके से खाना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका शुगर्स कंट्रोल रहेगा, एंड ऑर्गन डैमेज नहीं रहेगा। इसका मतलब है, ये डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन होता है माइक्रोवैस्कुलर एंड मैक्रोवैस्कुलर। तो ये जो भी हमारे ब्लड सप्लाई करता है, जैसे आँखों में रेटिनोपैथी हो सकता है, जैसे किडनी को जो ब्लड सप्लाई कर सकता है नेफ्रोपैथी होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, और जो ब्रेन को सप्लाई करता है उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो ये सारे इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से। और पैरों में भी वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड सप्लाई कम होता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ होता है, उससे गैंग्रीन ऑफ फुट होता है। काफ़ी बार हम लोग देख चुके हैं कि उंगलियां कट कर देते हैं, पैर भी कट कर देते हैं। सो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का। ये मैं नहीं किसी को, मैं आई एम नॉट स्केयरिंग एनीबडी, ये फैक्ट है कि वंस यू आर डायबिटिक, आप कंट्रोल में नहीं करेंगे तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसको आप डाइट से अच्छा कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो लाइफ लॉन्ग क्यों ना हो, विदाउट एनी एंड ऑर्गन डैमेज, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो इसका एक मूल है डायबिटीज़ का डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, माने इंस्टेड ऑफ टेकिंग 60% आपका डाइट 40% कार्बोहाइड्रेट रहना है, 20% प्रोटीन और 30% फैट रहना चाहिए। और फाइबर ऐसे चीज़ें वो ग्लूकोज को कंट्रोल में रखता है। तो आपके डाइट में फाइबर रहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से अच्छा प्रोटीन रहेगा, और कम फैट लेंगे, हेल्दी फैट्स लेंगे तो ज़रूर आपका डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल हो जाएगा विथ अ वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी। आपको कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइफ लॉन्ग ऐसे एक गोली या विदाउट गोली भी अपना लाइफ सूदिंग रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज। जब हम लोगों का पेट थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है, दैट इज़ अ स्मॉल मार्कर फॉर अ लेमन, कि पेट जब बढ़ता है तो उसके ऊपर फैट आ जाता है। तो ये फैट ऐसा कंप्रेस करना शुरू करता है पैंक्रियास को, पैंक्रियास का एफिशिएंसी कम होता है तो उसे डायबिटीज़ होता है। तो हम लोगों को फ्लैट टम्मी रखना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जिनके फैमिली में डायबिटीज़ रहता है, जैसे ग्रैंडफादर, फादर या मदर, उन लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। उन लोगों का बॉडी वेट आइडियल रहना चाहिए, उनको फिजिकल एक्टिविटी रहना चाहिए और हेल्दी फूड रहना चाहिए। और कुछ लोगों को आस्थमा हो सकता है या कुछ और बीमारी के वजह से स्टीरॉयड्स देते हैं, तो स्टीरॉयड के वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों का बॉडी ज़्यादा होने से या फिजिकल एक्टिविटी कम होने से उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस है। तो जो लोगों को स्टीरॉयड्स देते हैं उन लोगों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि हेल्दी बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और जिनको अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं उनको भी पैंक्रियास डैमेज होकर अर्ली डायबिटीज़ होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो ये सारे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इन लोगों को बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और सही मात्रा में डाइट लेंगे तो अगर आपके जेनेटिक्स में डायबिटीज़ है भी तो भी उनको पोस्टपोन कर सकते हैं, दिस इज़ 100% श्योर। एंड फूड इज़ सच अ मेडिसिन, आपका जो भी जेनेटिक्स में है उसको चेंज कर देता है, इसको न्यूट्रीजिनोमिक्स बोलते हैं। जैसे इफ़ एनी फादर इज़ डायबिटिक एट 40 ईयर्स ऑफ एज, द चाइल्ड कुड बी डायबिटिक एट 20 ईयर्स ऑफ एज, माने उनका एक्टिविटी कम है, खाना ज़्यादा है, स्ट्रेस बच्चों का पढ़ने का ज़्यादा है, उनको डायबिटीज़ 20 ईयर्स में हो सकता है। इफ़ यू टेक हिम टू अ गुड डाइटिशियन,
उनका अच्छा फिजिकल एक्टिविटी दिला के बैलेंस डाइट करेंगे तो वो बच्चे को 50-60 ईयर्स तक भी डायबिटीज़ नहीं आएगा। अगर उनका जेनेटिक्स में है तो भी उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। इतना महत्व होता है क्या न्यूट्रिशन का, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि न्यूट्रिशन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन डायबिटीज़। हाइपरटेंशन जो है वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, या ओबेसिटी के वजह से हो सकता है। तो जो भी है लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के वजह से भी किडनी खराब हो सकता है, हाइपरटेंशन के वजह से स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन में ब्लीड होके कभी भी, और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो ये तीन चीज़ को हम लोगों को नहीं होना चाहिए लाइफ में, तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। हाइपरटेंशन में थोड़े लोग सॉल्ट सेंसिटिव रहते हैं, इन लोगों को बहुत बहुत कम सॉल्ट देना पड़ता है, माने सॉल्ट लेने से उनको फेशियल एडिमा होता है, पीडल एडिमा, पैरों में पानी जमता है और पैल्पिटेशंस फील होता है। तो इन लोगों को ना कम देना चाहिए सॉल्ट, एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहिए। एक डाइट रहता है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, दिस इज़ डैश डाइट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि गिव मोर ग्रीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पोटाशियम ज़्यादा है और वेजिटेबल्स में ज़्यादा रहता है, तो हर दिन इनको हाफ अ केजी ऑफ वेजिटेबल्स देना चाहिए, एक दो फ्रूट्स देना चाहिए, अगेन दे आर गुड सोर्स ऑफ पोटाशियम, हेल्दी नट्स एंड ऑयल सीड्स देना चाहिए क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स योर हार्ट। जब हाइपरटेंशन होता है द इलास्टिसिटी ऑफ योर आर्टरीज गोज लो, इट बिकम्स स्टिफ, सो टू इम्प्रूव द कार्डियक फंक्शन, जो दिल का फंक्शन है उसको स्टेबल करने के लिए अच्छा नट्स देना पड़ता है, और आपका जो वाइटमिन्स मिनरल्स रहता है उसका भी सही पोर्शन में रहना चाहिए, जैसे फैट्स हैं बहुत कम करना चाहिए, नट्स अच्छा लेंगे, ऑयल कम करके लेंगे, और जो मीट है इसमें पोटाशियम सोडियम ज़्यादा रहता है, सो सोडियम ज़्यादा लेने से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो रेड मीट जितना कम उतना अच्छा, यू अवॉइड इट इज़ ऑलवेज एक्सेलेंट, कम करेंगे या बंद करेंगे तो भी ठीक है। तो 15 दिन में एक बार इतना सा मीट ले सकते हैं या महीने में एक बार। फिश जो होता है वो हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, जो भी हम लोगों को जब डायबिटीज़ हाइपरटेंशन होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन के वजह से होता है, तो ये फिश ऐसा फूड है जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, तो हमारे डाइट में हफ्ते में 2-3 बार रहने से भी बहुत अच्छा होता है। तो सीरियल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स चूज़ करना पड़ता है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब लेने से जो है ब्लड प्रेशर्स कम हो जाएंगे क्योंकि इनमें पोटाशियम ज़्यादा है, और अच्छा वॉकिंग करना चाहिए। जो सॉल्ट है हर चीज़ में डालने की आदत रहता है इंडियंस में, अमरूद खाएंगे तो नमक डाल लेते हैं, या वाटरमेलन खाएंगे तो नमक डालते हैं, सैलड खाएंगे तो नमक डालते हैं, हर एक चीज़ में नमक ज़्यादा जाता है। सारे दुनिया में 3-5 चम्मच का नमक लेते हैं, तो भारत देश में तो 12-16 ग्राम का नमक लेते हैं। तो ये सॉल्ट जो है बोन से कैल्शियम लीच कर देता है और सारे आर्टरीज को वीक करता है, कार्डियक मसल को भी वीक करता है, तो इसीलिए लेस देन 2.5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट, माने इतना सा नमक हर दिन में हाइपरटेंशन को। और रही बात कोलेस्ट्रॉल की, ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए, इससे बहुत सारे नुकसान हो सकता है इंसान को छोटे से छोटे उम्र में, तो आप लोगों को हेल्दी फैट्स लेना है, एक्टिविटीज ज़्यादा करना है, कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करना है, जंक को स्टॉप करना है, और सैचुरेटेड फैट्स जो मीट से आता है उसको जितना कम उतना अच्छा। नट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल टू प्रोटेक्ट हार्ट। तो नट्स जैसे वॉलनट, पीकन नट्स, पाइन नट्स, मैकेडमिया नट्स, कुछ भी नट्स, या जो इकोनॉमिकल स्टेटस में इतना अच्छा नहीं है उन लोग मूंगफली ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, कुछ भी नेचुरल जो हम लोगों को आता है वैसे नट्स एंड ऑयल सीड्स रहना चाहिए। और फाइबर जितना ज़्यादा लेते हैं, आपको कुछ फ्रूट नहीं मिला तो 1-2 टोमेटोज खा सकते हो, कुछ फ्रूट नहीं मिला तो एक आधा सा नींबू को भी कट करके पानी में मिला के पी सकते हो। और ज़्यादातर ये याद रहना चाहिए कि जितना चीनी और नमक अवॉइड करते उतना अच्छा है, क्यों ना हम लोगों को डायबिटीज़ हो ना हो या हाइपरटेंशन हो ना हो, हम लोगों को ये छोटे से चीज़ को याद रखना चाहिए क्योंकि कभी तो भी हम लोगों को ज़्यादा खाना पड़ता है, तो यू मेक अ बैलेंस ऑफ इट। तो कोलेस्ट्रॉल को हम लोग एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट से नॉर्मल पे रख सकते हैं। तो सही हिसाब से आप बैलेंस डाइट लेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, तो हम लोगों को डिजीजेस से फ्री लाइफ रहेगा, तो हेल्दी लाइफ रहेगा। तो आप लोग सबको न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस मालूम रहना चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए। थैंक यू।